दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान के काफ़ी सारे इलाके इस वक्त सैलाब की जद में आ चुके हैं, जिनमें डीजी खान और बलूचिस्तान के इलाके भी शामिल हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि सैलाब सिर्फ पाकिस्तान में ही आ रहे हैं, और क्या वाकई सारा पानी इंडिया की तरफ से आया गया है, और हम इसे बचने के लिए क्या इकदाम उठा सकते हैं? ये सब तो हम आगे ही जानेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर उससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि सैलाब आते क्यों हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है दरियाओं में पानी का ओवरफ्लो होना। तो जब भी बारिश आती है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, और ये सारा पानी नदी नालों से होता हुआ दरियाओं में मिल जाता है, जिससे कि दरियाओं में उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी भर आता है, जिससे कि ये पानी किनारों में आ जाता है और खेतों और इंसानी आबादियों तक पहुँच जाता है। अब यहाँ एक बात जानने वाली है कि दरियाओं में पानी की कैपेसिटी बढ़ने की वजह सिर्फ बारिश का पानी ही नहीं होता, बल्कि गर्मी के मौसम में बर्फ़ के पहाड़ों की ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से भी दरियाओं में पानी भर जाता है। और दोस्तों, इसकी एक बड़ी वजह जंगलात का कटाव भी है, क्योंकि जंगलात पानी के बहाव को इतना कम कर देते हैं कि पानी दरियाओं तक या इंसानी आबादी तक नहीं पहुँच पाता है। लेकिन अब मुसलसल जंगलात को ख़त्म करने से हम नेचर को तो ख़तरे में डाल ही रहे हैं, बल्कि अब ये सैलाब की भी बड़ी वजह बन गया है। अब दोस्तों, मैं यहाँ आखिर में बात करूँगा हमारे पॉलिटिशियन के बारे में, जिन्होंने आज सैलाब के इतने बड़े हालात देखने के बावजूद भी अभी तक कोई डैम्स तामीर नहीं किए। और जब सिंध और बलूचिस्तान के लोग सैलाब में मर रहे थे, तो ये लोग पंजाब में अपनी हुकूमत बनाने में लगे हुए थे, और उस वक्त भी पाकिस्तान की आर्मी ही थी जो उनकी मदद के लिए आगे आई, और कुछ लोग तो उनके लिए शहीद भी हो गए। और अब भी ये लोग इंडिया को ही ब्लेम कर रहे हैं कि इंडिया ने ही पाकिस्तान में पानी छोड़ा है। अब इसमें कोई शक तो नहीं है कि पानी इंडिया की तरफ से ही आया है, लेकिन जब पाकिस्तान की हुकूमत ये बात जानती है तो उन्हें चाहिए कि वो इसके लिए पहले से ही तैयार रहें, और वो वक्त पे लोगों को इसकी इत्तला करें और उन इलाकों को फौरी तौर पर खाली करवाएँ, ताकि दोबारा पाकिस्तान में ऐसे हालात बिल्कुल भी ना हों। और दोस्तों, यहाँ मैं पाकिस्तान के सियासतदानों से हटकर पाकिस्तान की आवाम को भी हिदायत दूंगा, जिन्होंने ऐसे हालात में प्लास्टिक शीट्स और कैंप की कीमतों में भी बहुत सारा इजाफा कर दिया है। जब बलूचिस्तान में सैलाब आ रहा था, तो वहाँ के आसपास के कच्ची आबादी के लोगों को भी उस वक्त आगाही नहीं दी गई, ना ही उन इलाकों को खाली करवाया गया। और अब तक पाकिस्तान में कितनी डैम्स बन चुकी हैं, इस बारे में भी आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो ऐसे हालात पैदा ना हों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, अगर बलूचिस्तान और सिंध के लोगों की बात करें, तो तकरीबन 900 से ज़्यादा लोगों की जानें इस वक्त जा चुकी हैं। और दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर यही पॉलिटिशियंस आज अपनी सियासत बनाने के बजाय इन लोगों के लिए कोई बेहतर इकदाम उठा लेते और पाकिस्तान में काफ़ी डैम्स तामीर करवा लेते, तो आज यही पानी इन्हीं लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता था जिनकी जानें गई हैं, और इसी पानी को हम बिजली बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते थे और बलूचिस्तान को बेहतर इलाका बना सकते थे। इसके अलावा दोस्तों, हमें चाहिए कि हम दरख्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा उगाएँ और नेचर का भी ख्याल रखें, क्योंकि ये दरख्त सिर्फ हमें ऑक्सीजन ही नहीं देते हैं, बल्कि हमें ऐसे कुदरती आफात से भी बचा कर रखते हैं। अगर ये सारे इकदाम पहले ही उठा लिए होते, तो आज जितना नुकसान हुआ है, शायद वो नुकसान होने से बच जाता, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी सारे जानवर भी हैं जो कि इसी सैलाब की जद में आकर मारे गए हैं। पाकिस्तान की काफ़ी सारी जमा पहुँची हुई जायदादों को नुकसान हुआ है, और ख़ास तौर पर ज़राई ज़मीनें इससे बहुत ही ज़्यादा मुतासर हुई हैं। दोस्तों, आखिर में हम लोग सिर्फ अपने मुल्क के लिए दुआ ही कर सकते हैं, और मैं आप सभी लोगों से ये भी गुजारिश करूँगा कि इन लोगों के लिए जितना ज़्यादा अतिया हो सके आप लोग जमा करवा सकते हैं, ताकि जिन लोगों की जायदादों का नुकसान हुआ है उनका बेहतर मुस्तकबिल मिल सके और उनको अच्छी रिहाइश गाह भी मिल सके। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब और बेल वाले आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक मेरे लिए मिलते हैं हम लोग अगली ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।